माय डियर चिल्ड्रन ऑफ द क्लास नाइन, देखे लेसन वन इंग्लिश रीडर। इंग्लिश रीडर के एक क्वेश्चन आंसर और मीनिंग का एक वीडियो पहले भेजा जा चुका है और बहुत से बच्चों के लिख चुके होंगे, जिनका ना लिखा हो वो यहाँ पर आकर के एक दिन में एक आकर के अपना संपर्क करें तो उसकी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, आज से ये लेसन पढ़ाया जा रहा है। यदि आपने किताब ना परचेज की हो, दुकान में किताब आ गई है और दुकान में जाकर के किताब परचेज कर ले तो पढ़ने में और अधिक आनंद आएगा। तो देखिए, मैंने पैराग्राफ लिख दिया है और ये पैराग्राफ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन का नाम है जाफर के है मनोरंजन जो उन्होंने किया। माजी इवन रोड अबाउट ए दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोड टुडे कॉलोनी फाउंड एन ईयर गो। माजी इवन रोड अबाउट ए दैट नाइट इन हर डायरी, उस रात मार्जी ने अपनी डायरी में इस कहानी के बारे में लिखा। मार्जी रोड मार्जी ने लिखा अबाउट इट इस कहानी के बारे में दैट नाइट उस रात इन हर डायरी अपनी डायरी में उस रात मार्जी ने इस कहानी के बारे में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 17 मई 2157 अंकित करते हुए, हेडेड मीन्स अंकित करते हुए, हेडेड मीन्स मीनिंग कैप्टन, 17 मई 2157 अंकित करते हुए सी रोड उसने लिखा टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। अंडरस्टूड, इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी किताब थी। मार्जी ग्रैंडफादर मार्जी के दादाजी ने वन सेट एक बार कहा था, मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था दैट मीन्स की व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, कि जब मैं एक छोटा बच्चा था, जब मैं एक छोटा बच्चा था हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उनके दादाजी ने यानी मेरे दादाजी ने, वो कहते हैं मेरे दादाजी ने मुझे बताया दैट मीन्स की देयर वाज ए टाइम, एक ऐसा समय भी था व्हेन वी जब ऑल स्टोरीज सार समस्त प्रकार की कहानियों को वर प्रिंटेड ऑन द पेपर कागज पर छापा जाता था। आगे एक बार मार्जी सीजन रोड अबाउट एक दैट नाइट इन हर डायरी, मार्जी ने उस रात अपनी डायरी में इस कहानी के बारे में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 17 मई 2157 अंकित करते हुए सी रोड उसने लिखा टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, ये एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्जी ग्रैंडफादर वाज टोल्ड, मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था दैट मीन्स की व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, कि जब मैं एक छोटा बच्चा था हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उनके मेरे दादाजी ने मुझे बताया था दैट मीन्स की देयर वाज ए टाइम, एक ऐसा भी समय था व्हेन मीन जब ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, सारी समस्त प्रकार की कहानियों को कागज पर छापा जाता था। ओके, ये होमवर्क है। व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी, मार्जी ने अपनी डायरी में क्या लिखा। ओके, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड मार्जीज ग्रैंडफादर टेल अबाउट द बुक, मार्जी के दादाजी ने किताब के बारे में क्या बताया। थर्ड, मेक हिंदी अबाउट पैराग्राफ, इस पैराग्राफ की हिंदी बनाए और ये एक रजिस्टर में करिएगा। तीन रजिस्टर हमने बताए थे, एक इंग्लिश फर्स्ट यानी प्रोज का, एक सप्लीमेंट्री, एक उसका सेकंड का, एक प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री। दूसरा मैंने बताया था सेकंड इंग्लिश सेकंड का, और तीसरा रजिस्टर ये होगा इसमें सीन पैसे करवाए जाएंगे और एक्सरसाइज। ओके,